ये देख सकते हैं आप चंदन का लग के है यहाँ पे। ओके ओके 1 किलो 1 लाख रुपए, 1 किलो चंदन 1 लाख। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल गणेश व्लॉग्स में। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले ब्लॉग आपने देखा होगा, तिरुपति बालाजी का इस मंदिर हम गए थे, वहाँ पे घूमे। बट आज भी मैं तिरुपति बालाजी में ही हूँ। यहाँ पे 6 स्पॉट ऐसे जो बेस्ट स्पॉट से घूमने के लिए। तो गाइस आप आना यहाँ तो ज़रूर ये 6 स्पॉट में विजिट करना। अब घूम के आना, चलो चलते हैं 6 स्पॉट पर घूमते हैं और आपको भी 6 स्पॉट दिखा दो कि आप यहाँ पे कभी फ्यूचर में आओगे ना तो जरूर ये स्पॉट पे जरूर घूमना। चलो तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो, दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं। यहाँ पे 6 स्पॉट है, उस स्पॉट पर घूमे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी की है प्राइवेट। चलो ये गाड़ी में नहीं, ये पर लेके फ्यूचर में गाड़ी लेंगे जरूर। ये अपनी गाड़ी है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं सोनू? अभी 6 स्पॉट है यहाँ पे, 6 स्पॉट पे हम घूमने जा रहे हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, चलो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अगर आप भी यहाँ पे जरूर आओगे ना तिरुपति बालाजी मंदिर में, तो यहाँ जरूर घूमे 6 स्पॉट पे। 5 पर्सन को लेके जाएंगे 5 जन के लिए, तो इसमें प्राइवेट गाड़ी मिलेगी आपको, उसमें 1200 रुपए में आप 6 स्पॉट घूम सकते हैं पूरे 5 पे में। और एक बात, यहाँ पे बस आपको बिल्कुल फ्री है। ये
कंप्लीट इंटरेस्ट है पूरा। 1 किलो 1 लाख तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो आपको मैंने चंदन का, जो चंदन का लकड़ी आपको दिखाया, अगर वो आप 1 किलो बेचोगे तो उसमें आपको 1 लाख। ये पूरा मनी प्लांट से, मनी प्लांट मतलब मनी तैयार करेगा ना पेपर, वो पेपर करने का प्लांट से। ओके, एक ये रहे हैं, ये पूरा अच्छा मनी प्लांट, मनी प्लांट पैसा करने को पेपर तैयार करता है ना। हाँ हाँ, वो ट्री पूरा अच्छा। उसको उज्जल नाम नहीं मालूम, अच्छा हम पूरा मनी प्लांट बोलते हैं। अच्छा ओके भैया, ये बालाजी चरण का बाग चप्पल गाड़ी में रखना, जाके दर्शन करके आ जाओ। ओके, गाड़ी इधर साइड में रखेंगे। अभी गाइस देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी अपने अभी पार्क हो रही है। यहाँ पे हम आपको आगे का यात्रा दिखाते हैं कैसा है। तो मतलब ये 6 स्पॉट में से फर्स्ट स्टॉप है ना घूमने के लिए। यस, फर्स्ट स्टॉप हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं स्पॉट को? ये बालाजी चरण का पादू। अच्छा, बालाजी चरण का पादू। इधर पादू रख दिया। हाँ, पादू रख दिया, पैदल में ऐसे नीचे चल दिया। अच्छा अच्छा, इसके लिए इधर बालाजी पादू प्लेस बोलेगा सभी आदमी। अच्छा अच्छा, इसके बाद अपने को कहाँ जाना है? ये हिल नाम नारायणगिरी। अच्छा, 7th हिल, हिल का नाम, इधर का नाम है फर्स्ट प्लेस का। ये पूरा मनी प्लांट से, ये पूरा मनी प्लांट से क्या यहाँ पे? मनी प्लांट से। अच्छा अच्छा, मतलब इसे कोई काट नहीं सकता, टच नहीं कर सकते ना? नहीं, नहीं काटना पड़ेगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का है, परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद अभी कहाँ जाना है अपने को? अभी नेक्स्ट सिला तोरण चक्रतीर्थ जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो जाने तो बाद में वो रुपए चलेंगे। ठीक है सर। रेड सैंडल नहीं है। अच्छा, ये पूरा अच्छा खत्म मतलब मालूम है नहीं, भगवान को ऐसा ऐसा करेगा बॉडी पे जो लगाते हैं रहेगा। हाँ, वो श्रीगंधम। अच्छा, उसके पेड़ है सब यहाँ पे, ऊपर भी डालेगा ना। हाँ, वो पूरा भगवान का ट्रस्ट वाला डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सो मेनी इयर्स, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ से ही लेते हैं। अच्छा, पैसा भी इधर है, इधर सिला तोरण और चक्रतीर्थ दो प्लेस रहेगा घूमने के लिए। और यहाँ पे दो प्लेस, सिला तोरण चक्रतीर्थ दो प्लेस रहेगा। हाँ, सीधा जाके लेफ्ट देखना पड़ेगा सिला तोरणम, देखे लास्ट जाके डाउन जाने तो चक्रतीर्थ, इधर दो प्लेस रहेगा। हाँ, जाके दर्शन करके थोड़ा जल्दी आ जाओ, कहीं कोने तो वो रूट में गेट बंद हो जाएगा। अच्छा, वो रूट में चलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी सेकंड प्लेस पे आ गए, दो प्लेस आएगा सिला तोरण चक्रतीर्थ। अच्छा अच्ा, यहाँ पे दो प्लेस आएगा। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड और थर्ड प्लेस है घूमने के लिए। चलो आगे जाके देखते हैं यहाँ से। Thank you.
जा रहे हैं जहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप सीधा पापनाशिन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पापनाशिन जाएगा और नेक्स्ट आकाशगंगा और नेक्स्ट वेणुगोपाल मंदिर। अच्छा, आज स्पॉट पर ये स्पॉट पे 6 बजे को ओपन करेगा ये पूरा स्टॉप से। हाँ। इवनिंग 6 बजे को क्लोज करेंगे पूरा स्टॉप। टाइम हो गया अभी 5 मिनट्स लेफ्ट है ना, 5 मिनट्स में अंदर जाना नहीं तो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा, बंद नहीं होता अभी। अच्छा, चलना पड़े चलेगा इतना। चलो चलते जल्दी, वैसे भी टाइम हो गया, 6 बज गया है। वैसे भी आप यहाँ पे स्पॉट देख सकते हो। पापनाशम कृष्णधारा पद्मधारा वो दो डैम से पानी लेगा, ये डैम से थोड़ा कम लेगा पानी। ये डैम का नाम गोगर्भम डैम। इधर पानी आता। अच्छा, यहाँ से पानी आता है क्या? यहाँ पे पानी ऊपर डालने तो पाप पूरा हो जाएगा, ऐसा नाश हो जाता है पाप। अच्छा, पाप धुल जाएगा पूरे, धुल जाएगा। अच्छा, इधर गंगा माता टेम्पल भी एक है छोटा मोटा। अच्छा, वही देखिए, ये दो देखिए, आ जाओ। हाँ, बाद में आकाश गंगा जाएगा। ये कितना स्पॉट है? तीसरा स्पॉट है ना? तो गाइस चलो चलते हैं, ये तीसरा स्पॉट है। आप भी देख लो, वीडियो का एंड है, एंजॉय करो। तो गाइस आप देख सकते हो ये तीसरा स्पॉट है। तो गाइस आप फाइनल अब देख सकते हो हम लोग थर्ड पैलेस पे आ गए। तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ। पापनाशक है, पापनाशक यहाँ पे जाने से लोगों का पाप से मुक्ति मिलती है। अच्छा, जन्मों के जो पाप रहते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये पानी से जाने से हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे? हाँ, मतलब हमारे किसी के भी। अच्छा, मतलब जो कोई यहाँ आएगा। हाँ, तो गाइस फाइनल अब देख सकते हो यहाँ की इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो ये कौन सा स्पॉट है? ये हाथीराम बाबा की समाधि है। अच्छा, हाथीराम बाबा ने यहाँ पे समाधि लिया था। अच्छा, वो काशी से यहाँ आए थे तिरुपति बालाजी के साथ दर्शन के लिए। हाँ? तो उनके साथ जुआ खेले। अच्छा, जुआ खेलते खेलते उनको जुआ खेलने के लिए सिखाए और बाद में यहाँ पे रह गए, गए ही नहीं। यहाँ पे ही समाधि ले लिया। इनका नाम हाथीराम बाबा है। इनको उत्तर भारत के लोग और महाराष्ट्र के लोग ज्यादा इनका ये करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, हाथीराम बाबा कितना स्पॉट है? ये पांचवा। तो गाइस आप देख सकते हो पांचवा स्पॉट चल के मैं आपको दिखाता हूँ, जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनल आप देख सकते हो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। हमें इतना गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर हमारे कोई भी सब्सक्राइबर अगर आपके पास आए तो आप डिस्काउंट दोगे उनके और सेम ऐसे घुमाओगे सेम ऐसे गाइड करोगे ना? अभी आदमी कैसे करेंगे? ठीक है, थैंक यू। चलो आज की वीडियो एंड करते हैं।